अस्सलामुअलैकुम जी, आज का हमारा टॉपिक है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, जो हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के, नर्स क्लाइंट के दरमियान जो है वो किस तरीके से एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो कौन कौन सी कम्युनिकेशन है जो थेरेप्यूटिक होती है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है वो बनाने में जो है कौन किस किस तरह की कम्युनिकेशन है जो इफेक्टिव होती है, या एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की या नर्स की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए ताकि आपको अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट की जो है वो प्रॉब्लम को बेटर तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए, छोटी सी डेफिनेशन बताइए कि प्रोसेस है जो पीपल यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन। और मैसेज जो कम्युनिकेट होता है वो बेसिकली टू लेवल पर होता है, या वर्बली आप मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो या नॉन वर्बली। वर्बल कम्युनिकेशन में आपके बेसिकली वर्ड्स आ जाते हैं, हम थ्रू द यूज़ ऑफ वर्ड्स जो है वो मैसेज जो है या अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं या एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है डिफरेंट मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। पेशेंट अपने आई कांटेक्ट से जो है वो आपको जो है देते हैं, उसका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो स्टेरिंग है, वो एक डिफरेंट मीन जो है वो कम्युनिकेट करेगा। इतना अगर उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है वो शो करेगा कि पेशेंट माइट भी जो है वो डिप्रेशन का शिकार। इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कैसे हैं, बिल्कुल ब्लैंक फेस है, ब्लंट या फ्लैट अफेक्ट्स होने, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको एक मैसेज कम्युनिकेट करती हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं, जिसको आप कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टोन ऑफ वॉइस फिर आ जाती है, स्पीड एंड हेजिटेशन आ जाता है, स्पीच में ग्रंट एंड ग्रोइंग आ जाते हैं, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लर्नर, कि लर्नर से जो है वो लिसनर से जो है वो डिस्टेंस कितना है पेशेंट का या क्लाइंट का, या जो थेरेपिस्ट है उसके प्रोफेशनल है उसका पेशेंट से जो है वो डिस्टेंस कितना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बिहेवियर जो है वो बेसिकली इसके अंदर कोई ना कोई जो है वो वर्बल कॉन्टेंट होता है। आगे वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो है वो तीन चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्टेंट जो मेन लिटरल वर्ड्स होते हैं जो पर्सन यूज़ करता है स्पीक करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट में वो एनवायरनमेंट आ जाती है जिसमें कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रही है, इसके साथ साथ टाइम किस टाइम में वो कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रही है, वो एनवायरनमेंट जो है वो कैसी है, फिजिकल है, सोशल है, कल्चरल इन्वायरमेंट है, ये कैसी है। प्रोसेस में सारे नॉन वर्बल मैसेज आ जाते हैं जो स्पीकर जो है वो यूज़ करता है, कोई ना कोई जो है वो अपनी उसको कम्युनिकेशन को जो है वो में कोई पर्टिकुलर मीन देने के लिए जो है वो जितने भी हम नॉन वर्बल वो सारे बिहेवियर जो हम शो करते हैं जो एक नॉन वर्बल मैसेज देते हैं वो आ जाता है प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आपके पास थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताइए कि बेसिकली इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है नर्स और क्लाइंट के दरमियान में, जिसमें नर्स स्पेसिफिकली फोकस करती है क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड्स पे, ताकि जो है वो एक इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रमोट किया जा सके और पेशेंट की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट नीचे बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि नर्स जो है वो हेल्थ के प्रोफेशनल जो है वो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, प्राइवेसी पेशेंट का, रिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्री, यानी कोई बाउंड्री सेट किए हैं एक तो उनका ख्याल रखा जाए, यानी जो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है हेल्थ केयर प्रोफेशनल या नर्स क्लाइंट का वो आपस में जो है वो उस डिस्टेंस को जो है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, और जो पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक बाउंड्री था उनको जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो उनकी प्रॉपर्टी के तहत रिस्पेक्ट की जाएगी तभी जो है वो एक अफेक्टिव जो है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो कायम किया जा सकता है पेशेंट और क्लाइंट के दरमियान, पेशेंट एंड नर्स के जो है वो दरमियान। यूज़ ऑफ टच कहते हैं वो जो है वो उसको मस्ट कंसिडर करना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बनाने के लिए नर्स को इन सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बताइए कि किस तरीके से डिफरेंट नर्सिस को हेल्प करती है डिफरेंट गोल्स को एस्टैब्लिश करने में। एक अगर नर्स की कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव थेरेप्यूटिक है तो उससे जो है वो आप इजीली नर्स जो है वो थेरेप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। सेकेंड, कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हेल्प करेगी नर्सिस को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को तो पेशेंट के या क्लाइंट के जितने भी कंसर्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। क्लाइंट की परसेप्शन क्या है अपने प्रॉब्लम के लिहाज से आप वो असेस कर सकते हो थ्रू थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। पेशेंट के जो है वो आप उसके जितने भी थॉट्स हैं, फीलिंग है, सिचुएशन के लिहाज से, दूसरों के लिहाज से, वो थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके साथ साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में जो है वो फैसिलिटेट करेगी क्लाइंट को अपने इमोशन को एक्सप्रेस करे। क्लाइंट एंड फैमिली को आप थ्रू थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टीच कर सकते हो सेल्फ केयर स्किल। क्लाइंट की नीड को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करेगी। इसके अलावा इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो हमें थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हेल्प करेगी। साथ
के साथ साथ जो है पेशेंट को जो है या क्लाइंट को गाइड हम कर सकते हैं थ्रू थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में, कि वो अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है वो एक आपको बताए कि जो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री है और उसके लिए सोशली जो है वो और जो उसकी प्रॉब्लम उसके लिए कोई ना कोई सोशली एक्सेप्टेबल जो है वो हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो गाइड करेगी क्लाइंट को थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, गाइड करती है क्लाइंट को टूवर्ड आइडेंटिफाइंग अ प्लान ऑफ एक्शन कि उन्होंने अपने लिए कैसा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करना है टू अ सेटिस्फाइंग एंड सोशली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन, वो ऐसा सोल्यूशन जिससे जो है वो सेटिस्फाइड हो सोशली एक्सेप्टेबल भी हो। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इन सारे गोल्स को जो है वो कम्प्लीट करने में नर्सेज को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो है वो हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। ये सबसे पहले आपको एक टर्म बताइए प्रॉक्सिमिक्स, ये बेसिकली स्टडी ऑफ डिस्टेंस जोन है, लोगों के दरमियान जो है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसकी स्टडी को आप कहते हो प्रॉक्सिमिक्स। ये चार तरह के डिस्टेंस जोन बताएं, इंटीमेट जोन होता है, एक पर्सनल जोन होता है, सोशल जोन है, पब्लिक जोन। इंटीमेट जोन में 0 से 18 इंचेज आ जाते हैं, लोगों के दरमियान जो है वो गैप इतना होना चाहिए, और ये जो है वो ये वाला जो इंटीमेट जोन है, ये जो डिस्टेंस जोन है बेसिकली कंफर्टेबल होता है पेरेंट्स के लिए विद यंग चिल्ड्रन के साथ या पीपल्स का जो म्यूचुअली जो है वो डिजायर करते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट, या अगर आपने किसी को विस्पर करना है तो उसके लिए जो है वो इतना डिस्टेंस जोन होना चाहिए। और कोई नॉर्मली ये जो जोन है इसको कोई अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है या इसमें इन्वेड होने की कोशिश करता है तो ये थ्रेटनिंग भी हो सकता है, उसके लिए एंजाइटी भी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है पर्सन में। पर्सनल जोन में आ जाता है जो डिस्टेंस वो आता है 18 से 36 इंचेस, ये कंफर्टेबल होता है फैमिली के लिए फ्रेंड्स के लिए जो आप नॉर्मली आम बातचीत कर रहे होते हैं। सोशल जोन में जो डिस्टेंस आता है वो 4 से 12 फीट आ जाता है, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्सेप्टेबल होता है कम्युनिकेशन के लिए सोशल वर्क एंड बिजनेस सेटिंग में। पब्लिक जोन में जो डिस्टेंस होना चाहिए लिसनर एंड कम्युनिकेटर के दरमियान जो है वो 12 से 25 फीट का है, ये एक्सेप्टेबल डिस्टेंस है जब स्पीकर कुछ एक स्पीकर और कुछ ऑडियंस हो या स्मॉल ग्रुप में या अदर इनफॉर्मल फंक्शन में जो है वो ये डिस्टेंस जोन होता है। अब बात कर लेते हैं थेरेप्यूटिक जोन की। थेरेप्यूटिक जोन में जो है वो 3 से 6 फीट जो है वो का जो डिस्टेंस है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और जो है वो क्लाइंट के दरमियान जो है वो होना चाहिए। टच की जो है वो आगे नैप ने जो है 5 टाइप के टच जो है जो उसको आइडेंटिफाई करें कि उसने कहा था जैसे जैसे जो है वो डिस्टेंस डिक्रीज होता था वैसे वैसे इंटीमेसी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। उसने जो नैप टाइप ने जो 5 टाइप्स बताई थी टच में, सबसे पहला आता है फंक्शनल प्रोफेशनल टच, ये कहा था एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है या अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है जैसे स्किन असेसमेंट वगैरह या कोई जो है वो फिजियोथेरेपी की जा रही है, मसाज वगैरह दिया जा रहा है तो उसके लिए ये फंक्शनल प्रोफेशनल टच जो है वो यूज़ किया जाता है। सोशल पोलाइट जो टच है वो ग्रीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इसमें हैंड शेक वगैरह आता है, या किसी वगैरह आ जाती हैं जो वुमन वगैरह से यूज़ करते हैं अपने नेबर्स में जो लोग हैं जिनको वो जानती पहचानती है। टू ग्रीट द एक्विंटेंस यानी जिन लोगों को आप जानते वगैरह हो। वेन अ जेंटल हैंड गाइड समवन या अगर आप किसी को डायरेक्शन जो है वो गाइड कर रहे हो तो उसमें भी जो है वो आप बेसिकली सोशल पोलाइट जो है वो टच यूज़ करते हो। फ्रेंडशिप वार्म टच में आ जाता है जिसमें हगिंग आ जाता है ग्रीटिंग में, या कंधे के इर्द गिर्द शोल्डर के अराउंड जो है वो आर्म जो है वो रखना, या बैक पे जो है वो बैक स्लैपिंग आ जाता है जब आप जो है अपने फ्रेंड्स को ग्रीट कर रहे हो रिलेटिव को, तो वो आ जाता है फ्रेंडशिप वार्म टच। लव इंटीमेसी टच में जो है टाइट है किसी भी आ जाती है लवर एंड क्लोज रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव के दिन, और फिर एक लास्ट में आता है सेक्सुअल अरोजल जो है वो टच। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। एक्टिव लिसनिंग जैसे नाम ही बता रहा है कि आपने पेशेंट की प्रॉब्लम को जो है वो एक्टिवली सुनना है, जितने भी इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे रिफ्रेन रहना है और कंसंट्रेट करना है एक्सक्लूसिवली कि क्लाइंट आपको क्या कह रहा है। एक्टिव ऑब्जर्वेशन में जो स्पीकर है इतने के जो है वो आपने जो पर्सन आपको स्पीक कर रहा है आपसे बात कर रहा है या क्लाइंट जो है वो आपने उसके जितने भी नॉन वर्बल एक्शन है उन सबको आपने जो है वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है ताकि आपको जो है वो पता चल सके कि वो एक्चुअल में जो है वर्बली क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है और नॉन वर्बली क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो ये नेक्स्ट बताया हुआ है कि एक्टिव लिसनिंग ऑब्जर्वेशन के तरीके से नर्सेज को हेल्प कर सकती है, एक्टिव लिसनिंग ऑब्जर्वेशन हेल्प कर सकती है नर्सेज को उनके इश्यूज को प्रॉब्लम जो क्लाइंट्स हैं उनके उनके इश्यूज को रिकग्नाइज करने में। सेकेंडली जो है वो आपको जब एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन होगी तभी पता किया जा सकता है कि नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या पूछना है। अगर आप पेशेंट को जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से सुन ही नहीं रहे हो तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपने जो है वो नेक्स्ट क्या कहना है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो इसके लिए मैं चीज़ में हेल्प करगी कि आपने फर्दर क्या क्वेश्चन पूछना है। एडिशनल थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए जो है वो आपको जो है वो एक्टिव लिसनिंग ऑब्जर्वेशन का होना ज़रूरी है।
पेशेंट की या क्लाइंट की जो परसेप्शन है अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिव लिखनी है, ऑब्जर्वेशन देनी है, इसके साथ साथ आपने किस तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करना है, रिस्पॉन्स करना है मैसेज को जो आपने जो है वो ऑब्जेक्टिवली जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके लिए जो है वो एक्टिव लिखनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं करें तो आप उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाओगे और चीज़ों को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको इंटरप्रेट भी जो है वो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें जो है वो बेसिकली दो तरह के मैसेज का जिक्र किया गया, एक कॉन्क्रीट मैसेज का और एक ऑब्स्ट्रैक्ट मैसेज का। जैसे कि होता है आपने कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सुना है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है जिसमें सुपरफिशियल थिंकिंग होती है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसमें डीप थिंकिंग होती है। इसमें अगर कॉन्क्रीट मैसेज की बात की जाती है वो मैसेज होते हैं जो क्लियर होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स इसमें जो है वो लिसिट होता है, वापस जाने की जो है गो बैक होने की जरूरत नहीं होती या रीफ्रेज करने की जरूरत नहीं होती है अनक्लियर क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल नीचे बताई है, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो कॉज यू टू कम टू द हॉस्पिटल। इसी तरह जो है वो एक सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक योर एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन। तो अभी बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, साफ पता चल रहा है, इजीली जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है ये क्या पूछना चाह रहा है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट मैथड में जो होते हैं अनक्लियर पैटर्न वर्ड उसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर कोई जो है फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं, जिसको समटाइम जो है वो इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है। तो इसमें जो लिसनर है उसको जो है वो दे रिक्वायर द लिसनर कि वो इंटरप्रेट करे व्हाट द स्पीकर इज आस्किंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निशु बताइए कि नर्स हु वॉन्ट टू नो कि वाई आर क्लाइंट वॉज एडमिटेड टू द यूनिट, तो उसमें क्या कहेगी, हाउ डिड यू गेट हेयर। अब हाउ डिड यू गेट हेयर इसमें इसके बहुत सारे आंसर आते थे, कोई स्पेसिफिक आंसर यानी डायरेक्ट नहीं अनडायरेक्ट जो है वो, या अनक्लियर आप कह लो कि इसमें वर्ड्स यूज़ किए हैं जिससे जो है वो मल्टीपल मीन जो है वो आ सकते हैं। तो इसमें जो है फिर जो फर्दर लिसनर होता है उसको फर्दर जो है वो इंटरप्रेट करना पड़ता है कि स्पीकर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट ये टेक्निक्स बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसमें जो है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में। तो ये 24 बताई हैं, इनमें से पांच पेपर में जो क्वेश्चन आया वो इसी के तहत कि इनलिस्ट करें एनी 8 or 10 जो है वो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। तो इनके नाम आपने अच्छे से याद करने, इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगी। नाम देख लें, एक्सेप्टिंग आ जाता है, ब्रॉड ओपनिंग आ जाता है, कॉन्सेंसुअल वैलिडेशन, इनकर्जिंग कंपैरिजन, इनकर्जिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ परसेप्शन, एक्सप्लोरिंग फोकसिंग, फॉर्मुलेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, जनरल लीव्स, गिविंग इन्फॉर्मेशन, गिविंग रिकॉग्निशन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑफिंग सेल्फ, प्लेसिंग इवन इन टाइम ऑफ सीक्वेंस, प्रेजेंटिंग रियलिटी, रिफ्लेक्टिंग, रीस्टेटिंग, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, साइलेंस, सजेस्टिंग, कोलैबोरेशन, समराइजिंग, ट्रांसलेटिंग इनटू जो है वो फीलिंग, वर्बलाइजिंग द एम्प्लॉय एंड वॉइसिंग डाउट, ये सारी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आ जाती हैं। नॉन थेरेप्यूटिक टेक्निक की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, इंटरप्रेटिंग, इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, इंट्रोड्यूसिंग एन अनरिलेटेड टॉपिक, मेकिंग स्टीरियोटाइप कमेंट्स, प्रोबिंग, रीअश्योरिंग, रिजेक्टिंग, रिक्वेस्टिंग एन एक्सप्लेनेशन, टेस्टिंग एंड यूजिंग। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, ये सारी टेक्निक आ जाती हैं आपकी नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। तो अब आपको पता होना चाहिए, आपको MCQ में पूछा जा सकता है, होता कोई स्टेटमेंट दी गई हो और नीचे पूछा गया हो कि ये कौन सी जो है वो थेरेप्यूटिक या नॉन थेरेप्यूटिक टेक्निक है, या ऑप्शन में एक स्टेटमेंट दी जा सकती है और नीचे पूछा जा सकता है कि जो इसमें यूज़ की गई है टेक्निक वो इधर थेरेप्यूटिक है या नॉन थेरेप्यूटिक है, या कौन सी थेरेप्यूटिक।